विश्व प्रसिद्ध 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक श्री महाकालेश्वर, जहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के दावों की पोल खोलता सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। जी हां, 1 मिनट 11 सेकंड के फुटेज में मंदिर परिसर में स्थित ओंकारेश्वर मंदिर की ये घटना है, जहां दर्शन के लिए लाइन में लगी पीली साड़ी पहने एक अज्ञात चोर महिला गुजरात की महिला श्रद्धालु के गले से शातिराना अंदाज में दांत से चैन काटती नजर आ रही है। आपको बता दें कि शहर में चैन स्नैचिंग की ये कोई नई घटना नहीं है। इससे पहले नवरात्रि में विश्व प्रसिद्ध गढ़ा कालिका माता मंदिर में ऐसे ही फुटेज सामने आए थे, जब दर्शन के लिए लाइन में लगी महिला ने दांत से श्रद्धालु महिला के गले से चैन काटी। फुटेज में महिला एक ग्रुप में नजर आ रही है, जो जगह जगह चैन स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम देने में एक्सपर्ट है, और पुलिस कार्यवाही की बजाय जांच का हवाला देकर जिम्मेदारी से बच जाती है। गुजरात की श्रद्धालु ने कॉल पर बताया कि उनकी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट नहीं लिखी गई। उन्होंने कहा, हम 2 दिन के लिए आए थे, कल इंदौर ओंकारेश्वर का प्लान है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होने से परेशान हो रहे हैं। किस तरह से घटना हुई, कैसे आपके साथ चोरी हुई, क्या हुआ पूरा घटना? हाँ, हम गुजरात से यहाँ महाकाल के दर्शन के लिए आए थे। हम कल से आए हुए, कल हम यहाँ 11 बजे आए थे और यहाँ होटल में रूम रखकर यहाँ ठहरे थे। दूसरे दिन 11 बजे हम महाकाल के दर्शन के लिए निकले थे और 11:30 को मेरी मम्मी ने देखा फोटो खींचते वक्त को, तो इनके गले में चेन नहीं थी, तो हमको पता चला कि ये चेन तो पहनी थी सुबह। तो 11 बजे जब हम एंट्री कर रहे थे तब तो इसके उनके गले में चेन थी, पर अभी नहीं है। तो हमने ASI सर से बताया, तो ASI सर ने तत्काल वो वहाँ के गार्ड को भेजा और वीडियो रिकॉर्डिंग रूम पे गए हम, और वहाँ पे वीडियो देखा तो वीडियो में सब क्लियर दिख रहा था कि एक चेन स्नेकर लेडीज़ ने मेरी मम्मी के पीछे जाकर ऐसे चेन खींच ली, और चेन खींचने के बाद हमने जब वीडियो रिकॉर्डिंग में जाकर देखा तब तो वो चेन स्नेकर का फेस, मेरे मम्मी का फेस सब क्लियर आ रहा था। बाद में हम महाकाल थाना में आए, तो महाकाल थाने से वहाँ से 2 पुलिस ऑफिसर हमारे साथ आए। उन्होंने दो तीन घंटे हमारे साथ सर्च किया जिस पर भी शक होता था। बाद में 3 बजे हम फिर से महाकाल थाने पर आए और वहाँ हमारा आवेदन पत्र लिया गया और अभी हमारी FIR हो रही है। चेन और पेंडल था और चेन के साथ एक छोटा सा पेंडल था। आपका नाम बताइए। मेरा नाम मिस्त्री विशाल राकेश भाई है। मेरे मम्मी का नाम हेमा बहन है। हम आए हैं गुजरात के हिम्मतनगर के साबरकांठा जिले से। जो हो सके वो हमारी मदद कीजिए। वो Time8 मध्य प्रदेश के लिए उज्जैन से विजेंद्र यादव की रिपोर्ट।